नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इमेज टैग हेल्पर के बारे में पूरी डिटेल। देखिए दोस्तों, 24 वीडियो जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने कंप्यूटर की जो फाइल है वो डाटाबेस फाइल में डाटाबेस के अंदर कैसे ऐड करें, तो उसके लिए आप लोग 24 जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये दर्शाता है कि आप लोगों की जो इमेज फाइल है वो आप लोगों के फोल्डर में सेव होती है, जो कि इस प्रकार है। आप लोगों का WW रूट फोल्डर में, इमेज फोल्डर में सेव थी। और जो इनका नाम है, ये जो नाम है वो डाटाबेस के टेबल में सेव होता है। ये हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आज मुझे इस टैग हेल्पर के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को बतानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं बताता हूं कि इमेज टैग हेल्पर का जो नाम है वो स्टार्ट होता है IMG से। टैग हेल्पर के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आज मैं इमेज टैग हेल्पर के बारे में बताऊंगा। तो इमेज टैग हेल्पर का जो स्टार्ट है वो IMG से शुरू होता है, और SRC उसका एक एट्रीब्यूट है जिसमें आप लोगों को क्या डालना होता है, पाथ डालना होता है इमेज फाइल का। तो यहां पर इमेज फाइल नेम है, इमेज है, और हम लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली में हम लोगों को एक फाइल तो दिखानी नहीं है इमेज की, हम लोगों को बहुत सारी फाइलें दिखानी होती है। तो हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, जब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आप लोगों को, तो यहां पे क्या होता है, जब लूप चलता है तो उसमें अलग अलग इमेजेस जो है वो आनी चाहिए। देखिए यहां पर लोगों की इमेज आ रही है, यहां पर मेरी इमेज आ रही है, तो ये कैसे रन हुआ है वो मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली में फोर लूप है, फोर ईच लूप है। देखिए व्यू भी मैं बताऊंगा, जस्ट इसके बाद में मैं व्यू सेक्शन ही स्टार्ट करूंगा पूरा कंप्लीट में। फोर ईच लूप का क्या काम होता है, एक लूप है जो पहले आइटम के अंदर उसने पहली आइटम को डाला, मॉडल के अंदर आइटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, स्टूडेंट टाइप का है ये आइटम, और स्टूडेंट में उसकी आईडी, उसका आईडी है, नेम है, और प्रोफाइल इमेज है, तीन डाटा जो है उसमें है। तो पहले डाटा को दिखाएगा, यानी कि पहले डाटा का मतलब है इससे ID 1 को, राहुल को, इस लोगो को, इस इन तीनों चीजों को वो दिखाएगा। तो आईडी में वन आ गया, इसमें राहुल आ गया, और प्रोफाइल इमेज में इमेज कैसे आया कि यहां पर इसने आइटम डॉट प्रोफाइल इमेज, प्रोफाइल इमेज में क्या पाथ सेव है, जैसे कि ये लोगो वाला पाथ सेव है डाटाबेस टेबल में, तो इसको दिखा दिया। दोबारा फॉर ईच लूप घूम कर गया तो आइटम में आ गया टू, नेम में आ गया तरुण, और प्रोफाइल इमेज आ गई, ये वाला पाथ इसमें आ गया। तो ये पाथ ही है, इमेज का पाथ होता है। इमेज फोल्डर का नेम है, देखिए यहां पर इमेज फोल्डर का, और ये जो है इस चीज को दिखाता है कि एट द रेट आइटम, जो आइटम में होगा उसका प्रोफाइल इमेज आप लोगों को शो होगा। तो ये यहां पर पाथ आता है। अब यहां पर है क्लास, राउंडेड सर्किल है, इसका मतलब ये जो इमेज है वो राउंडेड सर्कल में दिखाई दे रही है आप लोगों को, और इसके बाद में इसकी हाइट और विड्थ है कि 40-40 में आप लोगों को राउंड सर्कल में दिखाई देगी। ये तो बात थी इस टैग की, जो कि HTML5 के अंदर आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बात करूंगा कि इमेज जो है वो कैस किस प्रकार का बिहेवियर जो है ब्राउजर इमेज के लिए रखता है। इमेज जो ब्राउजर जो है इमेज के लिए जो बिहेवियर रखता है वो रखता है कैशिंग टाइप। कैशिंग का मतलब क्या होता है, कैशिंग का मतलब होता है कि जब आप लोग इमेज को यहां पर देखेंगे, देखिएगा मैं अब यहां पर दिखाता हूं, राइट क्लिक में करता हूं, व्यू पेज सोर्स करता हूं, यहां पर देखिए इमेज का पाथ ये बनता है, ये इमेज फोल्डर के अंदर है और ये फाइल का नाम है, इमेज फोल्डर के अंदर ये फाइल का नाम है। अगर मैं अब यहां से इस फाइल का नाम चेंज भी कर देता हूं तो भी वो आप लोगों को जो लोगो वाली इमेज है वो दिखाएगा। देखिए मैंने पूरा फाइल का नेम चेंज कर दिया है, मैं सेव कर देता हूं, दोबारा इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो ये जो है फर्स्ट इमेज को यहां पर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर वो जो नाम है वो एग्जिस्ट नहीं कर। देखिए यहां पर जो लोगो वाला है वो सिंबल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जबकि नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, देखिए यहां पर पाथ बदला नहीं है, बदला नहीं है, क्यों नहीं बदला है उसका, और यहां पर इमेज भी दिखाई दे रही है, बदला इसीलिए नहीं है क्योंकि पाथ तो वो यही आएगा, पाथ तो इसमें यही आएगा जो इसका नाम पहले था, लेकिन अभी इसका नाम फोल्डर में चेंज हो चुका है, तो यहां पर इमेज आप लोगों को नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो फाइल नेम है, ये वाला जो फाइल नेम है वो एक्चुअली में आप लोगों के फोल्डर में नहीं है, इस इमेज फोल्डर में आप लोगों के पास नहीं है। तो क्या हो कि एक्चुअल में है क्या, ये इसे हम लोग बोलते हैं कैशिंग, कि ब्राउजर जो है इमेज की कैशिंग रखता है और कुछ समय बाद जो है यहां पर आप लोगों को इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इस चीज को जल्दी समझने के लिए हम लोग क्या करें, कैशिंग को डिसेबल कर देते हैं ताकि यहां पर इमेज दिखाई ना दे। तो हम लोग मोड टूल्स में जाइए, डेवलपर ऑप्शंस में जाइए, और डिसेबल कैश कर दीजिए नेटवर्क टैब में जाकर।
और आप लोग इसे रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर इमेज नहीं है। अब इसका एक्चुअल जो व्यू है वो ये है कि एक इमेज दिखाई दे रही है, दूसरी इमेज जो है वो फोल्डर में नहीं है उस नाम से। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 404 आप लोगों के पास एरर आया, मतलब नॉट फाउंड। इस नाम से कोई भी इमेज जो है वो फोल्डर के अंदर नहीं है। ये बात सची है कि इस फोल्डर के अंदर इस नाम से कोई भी इमेज जो है वो नहीं है। तो आप लोग इस नाम को भी कॉपी जो है वो कर सकते हैं। देखिए कॉपी है, कॉपी लिंक है, यूआरएल है वगैरह वगैरह है। हम लोग इसमें दोबारा से वो नाम जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। हम लोग इसको पॉज करते हैं और दोबारा से इस नाम को रीनेम कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो दोबारा से वो नाम आ चुका है हमारे पास। हम लोग इसको री अगेन रन करते हैं। जब हम लोग रन करेंगे तो ये नाम उस फाइल में मिल जाएगा आप लोगों को और यहाँ पर इमेज जो है आप लोगों की शो होने लग जाएगी। लेकिन आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा था कि हर क्लाइंट के ऊपर, यानी कि कोई भी यूजर हो सकता है, उसके नेटवर्क टैब में आप लोगों को कैश जो है वो डिसेबल ही मिलती है ऑलमोस्ट। आप लोगों को भी पता है कि कैश जो हमेशा डिसेबल ही मिलती है, या अनेबल कैश जो है हमेशा आप लोगों को अनेबल मिलेगी, डिसेबल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों की इमेज जो है वो चेंज होनी चाहिए जब आप लोग यहाँ पर इमेज जो है वो चेंज कर दें। यानी कि सर्वर पर अगर इमेज चेंज हो जाती है, यहाँ पर अगर इमेज का पाथ चेंज हो जाता है तो वहाँ पर भी इमेज चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, इसके लिए आप लोग इसमें ASP अपेंड वर्जन लगा दें। ASP अपेंड वर्जन जब आप लोग ट्रू कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक हैश वैल्यू जो है वो जनरेट करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ इसका रीनेम, यहाँ पर मैं इसका रीनेम करता हूँ रीनेम, और इसको मैं कर देता हूँ 1.png। अभी ये फाइल इस पर नहीं है, सेव करता हूँ मैं इसको, रन कर लेता हूँ। देखिए उसके साथ एक हैश वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाएगी और वो हमेशा चेंज रहेगी। ये देखिएगा व्यू पेज सोर्स, यहाँ पर जो है ये देखिएगा इमेज फाइल है और ये जो हैश वैल्यू है वो देखिए इसके साथ तो एसोसिएटेड है लेकिन इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब है कि इसके साथ तो वो हैश एसोसिएटेड है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा हर बार तो ये चेंज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई भी चेंजेस कर दूंगा इस एप्लीकेशन के अंदर तो ये यहाँ पर फ्रिक्वेंट उसमें चेंज कर देगा। देखिए अब मैं इसका नाम तो मैं दोबारा से वही रख देता हूँ और मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ। अब आप लोगों के हिसाब से क्या जाना चाहिए था, आप लोगों के हिसाब से जो नीचे वाली फाइल नेम था वो वही रहना चाहिए क्योंकि हमारा केस जो है वो अनेबल्ड नहीं हुआ। ये देखिए व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोबारा दूसरी जो फाइल नेम था जिसका 0.002 था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसके पास इसका हैश जो है वो बन चुका है कि ये फाइल जो है वो सर्वर पर चेंज हो गई है। कहने का सीधा सा मतलब दोस्तों यही है, अगर आप लोगों के पास इसकी कोई भी हैश वैल्यू जो है वो आती है तो आप लोगों की जो कैश है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को दिखाएगी कि यहाँ पर जो है चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए हर बार ये जो हैश है वो चेंज होगा यहाँ पर। ये देखिए जब अब मैं अगर इसको चेंज कर दूंगा, अगर मैं इस फाइल को कोई भी चेंजेस जो है वो इस फाइल में अगर मैं करूँगा तो वो इसमें इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। देखिए ये जो फाइल नेम था इसमें मैं दिखा चुका हूँ। तो अगर आप लोग इसको कैश को डिसेबल करेंगे, मोर टूल्स में जाता हूँ मैं और नेटवर्क टूल में जाकर मैं कैश को डिसेबल कर देता हूँ। तो अगर मैं कैश को डिसेबल कर देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग ये इमेज जो है वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये फाइल यहाँ पर नहीं मिली है और ये फाइल यहाँ पर है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि उसके साथ जब भी कोई हैश वैल्यू जुड़ती है, जिसके साथ भी हैश वैल्यू जुड़ती है, उसका मतलब है कि वो सर्वर पर वो फाइल अपडेटेड है, उसमें वही पाथ है जो आप लोगों के इमेज फाइल के अंदर है, और जिसके अंदर वो हैश वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वो अभी कैश में है। तो इसका मतलब है कि ये जो फाइल थी वो कैश में थी और यहाँ पर अभी वैल्यू शो नहीं हुई थी। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए इसके साथ जो है वो हैश वैल्यू नहीं है, इसका मतलब सीधा सा निकलता है कि इसके साथ ये हैश वैल्यू, ये V इक्वल्स टू ये जो हैश जनरेट होता है
इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है कैश से आ रही है आप लोगों की, उससे नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली आप लोग पता लगा सकते हैं इमेज टैग हेल्पर के अंदर ASP अपेंड वर्जन के साथ अपेंड हो जाता है फाइल के नाम के साथ ये हैश वैल्यू। इससे सीधा मतलब है, इसका नाम है ASP अपेंड वर्जन ट्रू, इसका मतलब है कि इमेज फाइल के नाम के साथ जो है वो आप लोगों का एक हैश वैल्यू जो है वो अपेंड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। ये देखिए इसके साथ जुड़ गया है, इसका मतलब ये डायरेक्टली सर्वर से अपडेटेड है, ये अपडेटेड नहीं है, ये आप लोगों की कैश में है, ये नाम जो है वो कैश में है। अब हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोग इसको भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम जो है वो रिफ्रेश कर देते हैं, और आप लोग फिर से दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए लोगो डॉट PNG की जगह हम लोग क्या कर देते हैं इसको 002.png था आई थिंक, लोगो की जगह हम लोग इसको सेव करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका नाम जो है वो क्या था, ये सही इमेज जो है वो शो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जिसके साथ हैश जुड़ जाएगा उसका मतलब यही आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ये इसके साथ हैश जुड़ा हुआ है, इसके साथ हैश नहीं जुड़ा हुआ है, इसका डेफिनेटली इसका मतलब है कि 002.png जो है वो कैश में आप लोगों की है, अभी भी उसके साथ जो है वो उसका जो नेम है वो एक्चुअल नेम नहीं मिला है। तो आप लोगों को कैसे पता चले कि इसका एक्चुअल नेम क्या था, तो ये देखिए इसमें आप लोगों की दोनों फाइलें जरूर आप लोगों को दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम था वो क्या था वो हम लोगों को देखना ही होगा। लोगो डॉट PNG जो है वो करेक्टली जो है वो मिल रहा है, लेकिन इसका जो हैश है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक बार डाटाबेस सर्वर में जाकर इस चीज़ को चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इसका नाम जो है मैं करेक्ट कर सकूं। ये डिस्प्ले इमेज के नाम से था, इसमें आप लोगों को मिल जाएगा वो नेम। टेबल्स में जाते हैं हम लोग, और स्टूडेंट की वो इन्फॉर्मेशन थी तो मैं स्टूडेंट के जो डाटा है वो यहाँ पर चेक मिल जाएंगे आप लोगों को। सही नेम जो है हमें यहाँ पर रखना होगा इसका, ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल सके। ये मैं प्रोफाइल इमेज में जाता हूँ, देखिए इसका जो नाम था वो 0E के नाम से है, 02. इसका नाम, तो मैं इसको जो है अपडेट कर देता हूँ इस नाम से, रीनेम करते हैं, और यहाँ पर हम लोग 0.png के नाम से इसको सेव कर देते हैं। अब देखिएगा आप लोग दोनों पे हैश वैल्यू जो है आप लोगों की मिलेगी, जब दोनों पे हैश वैल्यू मिल जाए तो डायरेक्टली आप लोग समझ जाइएगा कि दोनों ही अपडेटेड हैं, दोनों ही जो हैं कैश से अपडेटेड हैं। व्यू पेज सोर्स में हम जाते हैं, दोनों के साथ आप लोगों की हैश वैल्यू जो है जुड़ चुकी है। तो ASP अपेंड वर्जन का मतलब यही है कि अगर जिसके साथ हैश वैल्यू नहीं आती है तो डेफिनेटली आप लोग समझ जाइएगा कि ये कैश से आप लोगों की इमेज आ रही है, तो कैश को डिसेबल कर दीजिए, आप लोगों को एक्चुअल लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इमेज टैग हेल्पर के बारे में पूरा जान चुके होंगे, ये इमेज टैग है, यहाँ पर पाथ दिया जाता है, और पाथ इस प्रकार से दिया जाता है, अगर डाटाबेस से आ रही है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम दिया जाता है, और यहाँ पर जो मॉडल होता है उसमें उसका नाम दिया जाता है। ASP अपेंड वर्जन ट्रू है तो इसका मतलब डेफिनेटली आप लोग समझ जाएंगे, जिसके साथ हैश एसोसिएटेड होता है, जिस फाइल नेम के साथ हैश एसोसिएटेड होता है वो अपडेटेड इमेज है, और जिसके साथ हैश एसोसिएटेड नहीं होता है वो कैश में स्टोर्ड है, उसको आप लोग कैश डिलीट कर दीजिए, आप लोगों को एक्चुअल लुक मालूम हो जाएगा। तो ये था इमेज टैग हेल्पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।